खबरसान.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भारती। कश्मीर में हंगामा करवाने के लिए 8 लाख रुपए महीने लेता है ये अलगाववादी नेता। जी हाँ, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बारे में खुलासा हुआ है। उसे बाहर से पैसा मिलता है, हंगामा, नारेबाजी और दूसरी तरह के माहौल बिगाड़ने के लिए 6 से 8 लाख रुपए महीना गिलानी को मिलता है। ये बात का खुलासा गिलानी के ही करीबी द्वारा किया गया। ये खुलासा गिलानी के करीबी ने किया है। उसे NIA ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। भारत के खिलाफ साजिश और आतंकी फंडिंग को इल्ज़ाम में कार्रवाई हुई है। पूछताछ में वो कई खुलासे कर रहा है। घाटी में करीब एक दर्जन नेता ऐसे हैं जिनका घर ही हंगामे से चलता है। 15 नामों की लिस्ट भी उसने दी है। हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर से कनेक्शन होने की बात भी कही है। अलगाववादी नेताओं को पैसा अलग अलग जगह से आता है। इनके परिवार आलीशान जिंदगी जीते हैं। ये कभी नहीं बता पाते हैं कि इनकी कमाई का जरिया क्या है। कई बार पूछताछ भी हुई है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। इकोनॉमिक टाइम्स का दावा है कि उनके पास कुछ दस्तावेज भी हैं जो साबित करते हैं कि गिलानी के करीबी ने जो राज उगले हैं वो सही है। इस मामले में पिछले कुछ दिनों से कुछ अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल वो जमानत पर है। मोदी सरकार के बाद सख्ती बढ़ी है। यही वजह है कि अलगाववादी दुबके बैठे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।